सो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो सी अज दी, क्योंकि पिछली वीडियो तो बहुत सारी कंप्लेंट सी कि मेरे कई वीरां नू कई कह रहे थे कि प्रोसेस पूरी तरह समझ नहीं आया, कईयों नू पता नहीं लगा। एक तो साउंड की भी प्रॉब्लम सी और कई मेरे वीरां दी डिमांड सी कि एक बार होर ट्यूटोरियल बनाओ। सो हेयर आई एम ब्रिंगिंग यू अनदर ट्यूटोरियल फॉर टाइंग ए परफेक्ट बियर्ड। सो सत श्री अकाल एवरीवन, दिस इज बलविंदर सिंह हेयर बैक विद येट अनदर वीडियो। बट अगे वधन तो पहला आई वुड लाइक टू थैंक कोरियर पेरिस फॉर सेंडिंग देयर ब्यूटीफुल शर्ट टू मी। इन्हों को होर भी काफ़ी बहुत वधिया वधिया प्रिंटेड शर्ट्स है। सो हैड आउट टू coreparis.com एंड यूज कोड SING15 टू गैट 15% ऑफ ऑन ऑर्डर्स अबव 999। सो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन है, सो गो हैड एंड चैक इट आउट। ओके ना, लैट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। सो सात चीज़ों की लड़ है थोड़ू, इट्स 7 थिंग्स। सब तो पहली चीज़ बियर्ड ऑयल, बियर्ड को हैल्थी और शाइनी रखने लिए। दूजी चीज़ बियर्ड फिक्सर, लिक्विड लेना तो लिक्विड ले लो, स्प्रे लेनी तो स्प्रे ले लो, इट्स टोटली अप टू यू। मैं अपनी वीडियो में लिक्विड का यूज़ करूँगा। थर्ड थिंग रबर बैंड, कोशिश करना कि रबर बैंड ब्लैक ही होवे, क्योंकि वो की होगा कि थोड़ी दाढ़ी चो नज़र नहीं आएगा, होर कोई कलर का लोगे तो इट विल लुक ऑफुल। चौथी चीज़ बियर्ड ब्रश, स्प्रे या लिक्विड जो भी होगा उन्होंने स्प्रेड करने लिए। पंजवीं चीज़ तुम्हें ठाठी चाहिए आ, नैट वाली ठाठी हो ज़्यादा बैटर आदड़ी जल्दी सुकती है। छेवीं चीज़ सिलाई या बाज जो भी तुम कहते हो। एंड सैवंथ ड्रायर, ड्रायर नहीं आ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो की होएगा कि दाढ़ी थोड़ी जल्दी सुकन हेल्प मिलेगी, ड्रायर नहीं होएगा तो दाढ़ी थोड़ी लेट सुकेगी। हूँ जे अगर थोड़ी दाढ़ी छोटी आ तो उन्होंने जैल नाल भी सैट कर सकते हो और थोड़ू रबर बैंड की भी लोड़ नहीं। और अगर तुम हेयर पिन नाल दाढ़ी बनते हो तो आई एम सॉरी, मैं वो सू कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी ट्राई नहीं की। ओके ना, वॉश यू बियर्ड, ड्राई इट एंड अपलाई सम ऑयल। एंड बाद जिन्ना भी फिक्सर चाहिए उन्होंने लैके पूरी बियर्ड से अप्लाई कर लो। सो फिक्सर अप्लाई कर दो, फिक्सर लगा लो, अगर स्प्रे मार दो तो स्प्रे मार के पूरी बियर्ड से ब्रश ना अच्छी तरह अप्लाई कर लो। उन्होंने एंड ओके, फिक्सर अप्लाई करने के बाद रबर बैंड नाल बियर्ड नू बन लो। इनू ज़्यादा लूज भी नहीं करना और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, ना बिल्कुल डिस्टेंस रखना है थोड़ा जा। एंड कई बंदे कह रहे थे कि ज़्यादा बियर्ड नू टाइट करके बनने नाल की होएगा कि उन्होंने जेहड़े बाल टुट सकते हैं और इन द लोंग रन बियर्ड खराब हो सकती है। दैट इज़ वाई इसीलिए मैं कह रहा कि बियर्ड नू थोड़ा जहा लूज करना ताकि बालों पर कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रैस ना पवे। नाउ इस नॉट नू रोल करके बियर्ड च पा लो। नाउ कई मेरे वीर कह रहे थे कि यह जी खुल जाएगी, ये परमानेंट नहीं आ, टैंपरेरी सिर्फ थोड़ी देर लई आ, उसके बाद खुल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अपना एक रोल कर रहे हैं, रोल करके फिर बियर्ड के बिच पानी है, ये जी ईजीली नहीं खुलती। नाउ दाढ़ी अंदर सैट करने के बाद अपना ठाठी बननी है। एंड ठाठी को क्या करना, अगों थोड़ा जहा लूज रखना एंड पिछों टाइट रखना है। प्लस ठाठी बनने वेले मुँह पूरा कवर कर लेना, मतलब बियर्ड नू पूरा कवर लेना, कवर कर लेना अगों लैके पिछे तक। एंड वो बाद पिछों जी टाइट रखनी है एंड अगों लूज रखनी है।
ਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਾਈਟ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਅਰਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਦਿਖੇਗੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਠਾਠੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਅਰਡ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਅਰਡ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮੈਟਰੀ 'ਚ, ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਨਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲੋ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਦਾੜੀ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀਟ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਈ ਹੀਟ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਰਾਇਰ ਦੀ। ਸੋ ਨਾ ਬੀਅਰਡ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੀਅਰਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਾਂ। ਐਂਡ ਓਕੇ ਨਾ, ਪੱਗ ਵੀ ਬਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੈੱਟ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟੇਕ ਆਫ ਦ ਠਾਠੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਲੋ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਲੋ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟਾਈਟ ਔਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਿਪ ਫੋਰ ਯੂ, ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਯੂਰ ਬੀਅਰਡ ਵੈਨ ਐਵਰ ਯੂਰ ਡੇ ਐਂਡਸ। ਸੋ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਬਰਾਊਨ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਸ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਫੋਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ।
आई होप कि थोड़ी पिछली वीडियो से जोड़े भी क्वेरीज से या कोई भी कंफ्यूजन सी वो पूरी हो गई होनी है एंड आई होप कि थोड़ा वीडियो वजी लगी होगी थले कमेंट करके जरूर दसना एंड अगर थोड़ी कोई क्वेरी है या कोई होर कोई टॉपिक तो वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट करके जरूर दसना यू कैन ऑलसो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक सारे डिस्क्रिप्शन है सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सत श्री अकाल।